हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज काव्यखंड कक्षा 9 पाठ 1 साखियाँ एवं सवद। इसमें हम आज प्रश्न अभ्यास देखेंगे जिसके लेखक हैं कबीर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर, मानसरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर। मानसरोवर हिमालय के शिखर पर स्थित है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। पवित्र मन की उपमा देने के लिए कबीर ने इस शब्द का प्रयोग किया है। जिस प्रकार मानसरोवर में हंस क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार मन रूपी सरोवर में आत्मरूपी हंस ईश्वर की भक्ति में डूबा हुआ आनंद रूपी मोती चुगता है, अर्थात मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करता है। इस पाठ की व्याख्या हमने पहले ही कर रखी है, आप उसे हमारे YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर, सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कवि ने लिखा है कि सच्चा प्रेमी अर्थात भक्त वही है जो सच्चे मन से भक्ति करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करता है। उसे ईश्वर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रहती। वह संसार के बंधनों, लोभ मोह माया जाति पाति छल कपट से मुक्त होता है। संसार में ईश्वर के अलावा कोई भी उसे आकर्षित नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जक मारी। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर, उपरोक्त दोहे में कवि ने उस ज्ञान को महत्व दिया है जिसमें साधक दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर चलता जाता है और सफलता पाता है। संसार बिना उद्देश्य के कुत्ते की तरह भोगता रह जाता है। अगला प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर, कबीर ने संसार में सच्चा संत उसे कहा है जो लोभ मोह माया अपने पराए जाति पाति के बंधन से ऊपर उठकर भक्ति करते हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, कावा फिरी काशी भैया बैठे कवीरा जीम, तथा ऊंचे कुल का जन्मिया साधु निंदा सोई। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर, उपरोक्त अंतिम दोहों के माध्यम से कबीर ने समाज में व्याप्त धार्मिक भेदभाव, दुर्भावना, स्व की भावना तथा जाति आधारित वर्ण व्यवस्था जैसी कुरीतियों की ओर संकेत किया है। कबीर के अनुसार राम रहीम दोनों एक हैं। ईश्वर के रूप अनेक हो सकते हैं, किंतु ईश्वर एक ही है, अतः उनका बंटवारा करना ठीक नहीं है। वैसे ही ऊंचे कुल में जन्म मात्र से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता, श्रेष्ठ होने के लिए अच्छे कर्म की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से न होकर उसके कर्मों से होती है। अच्छे कुल में जन्म ले लेने से कोई महान नहीं बन जाता, महान बनने के लिए अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है। अच्छे कुल में जन्म लेकर अगर कोई नीच कार्य करता है तो वह किसी भी परिस्थिति में श्रेष्ठ नहीं हो सकता, और अगर निम्न कुल में जन्मा कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता है तो वह निसंदेह श्रेष्ठ हो जाता है। अगला प्रश्न है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपयुक्त पंक्तियों में ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कबीर लिखते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी अत्यंत सहजता से करनी चाहिए।
ऐसा करते हुए यदि कुत्ते रूपी संसार निंदा भी करता है तो भी साधक को चाहिए कि वह निंदा की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहे। काव्यांश में साधु ककड़ी भाषा का प्रयोग है। तत्सम शब्दों तथा हस्ती स्वान ज्ञान आदि का प्रयोग है। तुकांत रचना है तथा भक्ति रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर, मनुष्य ईश्वर को काबा काशी कैलाश मंदिर मस्जिद भक्ति तथा योग वैराग्य में ढूंढता फिरता है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उत्तर, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चना तथा अन्य प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों पर अपना शीश झुकाकर योग वैराग्य जैसी अनर्थक क्रियाएं करके तथा दिखावे के लिए धार्मिक यात्राओं द्वारा ईश्वर को पाने की लालसाओं का जोरदार खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर सबके अंदर विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर को अपने अंदर ढूंढना चाहिए और सच्चे ईश्वर की तलाश करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कबीर ने उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से दिखावटी भक्ति का विरोध करते हुए कहा है कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद काबा काशी कैलाश में ढूंढता फिरता है, किंतु वह उन्हें प्राप्त नहीं करता क्योंकि ईश्वर का वास तो प्रत्येक प्राणी की सांस में है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाकर मन को संतोष मिल सकता है, किंतु ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करना चाहे तो ईश्वर की प्राप्ति पल भर में आसानी से ही हो जाती है। तो दोस्तों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।